हाय गाइस, मैं प्रसाद। आप सभी यही सर्च करके यहाँ पे आए होंगे कि एक ऐसा यूनिवर्सल डिवाइस होना चाहिए हम सभी के कार में या फिर जो कार यूज़ करते हैं, कि जो हमारी कार को चूहों से बचाए। मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैंने नई कार ली थी लगभग 1 साल पहले, जिस कार में मैं बैठा हूँ फ़िलहाल, तो मुझे भी ये मतलब ध्यान में बातें आ रही थी। और जहाँ पर मैं पे एंड पार्क, जहाँ पे पेड पार्किंग होती है, वहाँ पे मैं पार्क मेरी कार कर रहा था, जो ब्रेज़ा है। और लगभग वहाँ पर भी मुझे ये सवाल कई बार मेरे मन में आया था कि मेरी नई गाड़ी है या फिर नई गाड़ी में ही नहीं बल्कि जो पुरानी गाड़ियाँ भी है उसमें भी कई बार ऐसे होता है कि जो चूहे होते हैं हमें पता नहीं होता है, बट वो अंदर जाते हैं, बोनेट में जाएंगे और जो अंदर प्लास्टिक पार्ट से या फिर जो वायर से उसको कट करेंगे, और उनका ये काम ही है करना। और लगभग जो एक पढ़ाई के अनुसार, जो स्टडी की उसके अनुसार, इनके जो चूहे होते हैं उनकी जो जो दांत है वो लगभग इंचेस के हिसाब से बढ़ते रहते हैं एवरी ईयर। सो और वो उनका काम ही है वो सारी वायर से फिर प्लास्टिक के का जो पार्ट से वो कट करना। सो मेरे ध्यान में भी ये बात आई थी, बट मैंने लगभग 7 से 8 महीने गाड़ी पे एंड पार्क में, जो लगभग 1 और 2 बेसमेंट पार्किंग होती है, वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करी मेरी, तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट अभी आप मुझे फ़िलहाल जो देख रहे हो कि मैं पीछे बिल्कुल मेरी बिल्डिंग है और मेरे बिल्डिंग के प्रीमाइसेस के अंदर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। सो मैंने बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर मेरी गाड़ी लगाई है पार्किंग के लिए। और यहाँ पे कैसा है, ये जो पूरा इलाका है वो एक नॉर्मल एरिया है या फिर जो एक रोड साइड एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं। और ये जैसे ही मैंने गाड़ी पार्किंग करनी चालू करी तो, और मैं देख भी रहा था कि आजू बाजू में ऐसे चूहे बहुत सारे घूम रहे, तो मैंने सोचा कि ऐसा एक डिवाइस होना चाहिए कि जो मेरी कार को एक चूहों से बचाए, या फिर जो नई कार या फिर पुरानी भी कार होगी लोगों की, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इस डिवाइस को यूज़ करिए, क्योंकि जो चूहे होते हैं उनसे अगर आपकी कार को बचाना है तो एक परफेक्ट डिवाइस है। तो ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि मैं भी बिल्कुल बाहर जाऊँगा, और मैंने जो डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, हालाँकि आप देख सकते हो ये जो कारकेट का जो पूरा पैकेट है, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। पहले डिवाइस जो मैंने अंदर फिट किया है वो आपको दिखाऊंगा, और बाद में हम इसके बारे में, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इंस्टॉलेशन करना है, कैसे करना है, सारी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है? तो पहले बाहर जाते हैं और पूरा एक इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार का बोनेट ओपन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी अंदर प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, जो कोई ये एक पार्ट हुआ या फिर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, और इसके साथ यहाँ पे ऐसे वायर्स भी है, देखो यहाँ पे जो बिल्कुल नॉर्मल एक कट होने से कट हो सकती है। यहाँ पे बैटरी का जो कनेक्शन है वायर का, या फिर अंदर का पूरा जो आप कनेक्शन देख रहे हो ये पूरा वायर का है, प्लास्टिक का है, और ऑलमोस्ट चांसेस है कि जो रैट है वो इसको आराम से कट कर सकते हैं। तो इसी को बचाने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिवाइस है लाल कलर का, ये है कारकेट की तरफ से जो अल्ट्रासाउंड वेव कंटिन्यूस जिगजैग फॉर्म में एक स्प्रेड करता रहेगा, इसका आवाज़ भी आएगा। अभी हम इस डिवाइस के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो डिवाइस देख के आपके मन में ध्यान आया होगा कि डिवाइस इंस्टॉल कैसे किया गया। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने खुद मेरे घर पर ही इसको इंस्टॉल किया है, मैं किसी मैकेनिक के पास नहीं गया हूँ इंस्टॉल करने के लिए। एकदम सिंपल इंस्टॉलेशन है। देखो, आपको एक केबल टाई जो है वो आपके जो पूरा पैकेट है उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी, कारकेट का जो पैकेट है उसके अंदर, और मैंने सिर्फ केबल टाई से ही इसको बांध रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको स्क्रू से फिटिंग करने तो आपको यहाँ पर देखो 1, 2 और यहाँ पर 3, 4, तो आपको यहाँ पर अंदर स्क्रू भी प्रोवाइड करेंगे। और आप अपने कार में देखो, यहाँ पे अगर एक नॉच अवेलेबल है या फिर ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल है आपके कार में तो आप उसको स्क्रू से भी फिट कर सकते हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको केबल टाइप से फिट किया है। और आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये डिवाइस काम भी कर रहा है फ़िलहाल, ये इसका लाइट भी यहाँ पे आ रही है कंटिन्यूस, और जो इसके वेव्स हैं शायद मैं सुन ना पाऊँ लेकिन इस कैमरा में वो कैप्चर हो जाएंगे आराम से, ठीक है? तो इसके इंस्टॉलेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर टाई करना है केबल से या फिर स्क्रू से। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है एक रेड कलर का वायर है, और ये जो वायर है वो ब्लैक कलर का वायर है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि सिंपल एकदम कनेक्शन है, आपको इस रेड कलर के वायर को, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी के, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे आपको इसको कनेक्ट करना है। मैंने क्या किया, सिंपल इस स्क्रू को निकाला है और इसके अंदर ये जो कनेक्शन है उसको फिक्स कर दिया इस तरीके से, ठीक है? और ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर का वायर है उसको मैंने यहाँ पर निगेटिव पे कनेक्ट कर दिया, तो मेरा पॉजिटिव यहाँ पे गया, निगेटिव यहाँ पे गया, और मैंने डिवाइस को दोनों केबल से टाई कर दिया और बस फिक्स हो गया, ठीक है? और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप डिवाइस फिट करोगे
तो आपको डिवाइस को बिल्कुल इस तरीके से रखना है ताकि इसकी जो लाइट है, अभी दिन में लाइट आपको दिखाई नहीं देगी इतनी पूरी, लेकिन जैसे ही रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, और ये बोनेट बंद रहेगा पूरा का पूरा, तो जो लाइट है वो पूरे बोनेट के अंदर ऐसे एक फ्लैश होती रहेगी, कंटिन्यूस फ्लैश होती रहेगी, और इसके जो वेव्स है, जो शायद अभी आप सुन रहे होंगे इस कैमरा में, शायद वो कैप्चर हो जाएंगे, हम नहीं सुन सकते, तो पूरे घूमते रहेंगे वेव्स, ठीक है। देखो, और यहाँ पे जो फ्लैश, देखो ये zigzag पैटर्न में जो अभी लाइट यहाँ पे जल रही है कंटिन्यूस, और इसका आवाज़ भी आपको शायद सुनाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा, और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपका ये पूरा का पूरा जो बोनेट है वो सेफ रहेगा, और आपकी जो गाड़ी है, जो चूहे हैं, जो रोडेंट्स हैं, उनसे बची रहेगी। और एक बात देखो, यहाँ पे फ़िलहाल क्या होता है अक्सर कि यहाँ पे मैंने गाड़ी रख दी, देखो अभी ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे पूरा लोकल एरिया है, देखो आजू बाजू में गाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे ये एरिया है कि जहाँ पे चूहे बहुत हैं, और अगर रोड है तो वहाँ पे चूहे आएंगे, तो उनसे बचने के लिए मैंने डिवाइस लिया है। और एक बात देखो, यहाँ पे है ना, देखो किसी ने रख दिया खाने के लिए, पता नहीं, मतलब लोग यहाँ पे आते जाते कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो उनसे बच, अभी हम लोगों को हर एक को नहीं बता सकते कि यहाँ पे कचरा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और चूहे बेसिकली क्या करते हैं कि ऐसे कुछ कोई भी खाना यहाँ पे रख देगा कुत्तों को या फिर बिल्ली को खाने के लिए, तो चूहे भी आएंगे, खाएंगे, उठाएंगे, और क्या करते हैं, अगर मैंने डिवाइस मेरे गाड़ी में फ़िट नहीं किया है तो वो अंदर बोनेट में लेके जाएंगे, या फिर यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, और वो अपना वो जो खाना है वो खाएंगे, या फिर यहाँ पे आएंगे, उनको सेफ जगह मिलेगी, और अंदर वो पूरा कचरा कर देंगे, ठीक है। और चूहों का कैसे होता है कि अगर ज़मीन से ऊपर उनको अगर जगह मिल रही है, सेफ़ है, तो यहाँ पे आके बोनेट में आके वो अपना काम चालू कर देंगे। तो अगर उनसे बचाना है कार को, तो ये डिवाइस एकदम परफेक्ट एक चॉइस मैं आपको बोल दूँगा, जो आप देख सकते हो। और इसका जो फंक्शनैलिटी है, जो वर्किंग है, वो आपको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के बता, डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले मुझे ये जो वीडियो है, जो क्लिप दिखा रहा हूँ, ये मेरे मोबाइल में मिल गया जब मैंने इंस्टॉल करने के टाइम लगाई थी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे चूहों के पैरों के निशान थे जब मैं डिवाइस इंस्टॉल कर रहा था, यानी इंस्टॉल करने से पहले मेरे गाड़ी में चूहे आ रहे थे, तो आपने चूहों के पैरों के निशान भी देख लिए। और अभी आप देख रहे हो कि ये जो इंस्टॉलेशन के टाइम मैंने वीडियो शूट किया था, मेरे पापा जो है इंस्टॉल कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो ये जो डिवाइस एक जगह पे मैंने रख दिया, इसकी जो रेड वायर है वो हमने निकाल के लगा दी पॉजिटिव टर्मिनल में, और ये जो टर्मिनल है ये है निगेटिव वाला, जो ब्लैक वायर है। तो आपको सिंपली ब्लैक वायर इस निगेटिव में अटैच करनी है, और आपको आराम से इसको फिट करना है, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव वायर को। और सिंपल एकदम इंस्टॉलेशन है, आपने एक बार ये कर दिया, फिर आपको जगह ढूंढनी है आपके पूरे बोनेट में। और हम देख रहे थे कि कहाँ पर ये डिवाइस अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, और फाइनली हमने एक ऐसा एरिया देखा, ऐसी जगह देखी कि जहाँ पर ये अच्छी तरीके से फिट भी हो सकता है, और इसकी जो वेव्स है वो एक पूरी तरीके से पूरे बोनेट में घूम सकती है। तो आप देख रहे हो कि एक सिंपल हमने दो केबल टाई लिए और हमने इसे फिक्स कर दिया, और फिर आपको मिलेगा ये फ्यूज़ जो आपको बिल्कुल एक ऑन करना है, और इसको अच्छी तरीके से आपको एक जगह पे फिक्स करके रख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड वेव्स का साउंड सुन सकते हो। कुछ चूहे जिनको सुनाई नहीं देता, इसके लिए आप देख सकते हो कि लाइट अलग तरीके से यहाँ पे फ्लैश होती है, जिसके कारण उनकी आँखों को तकलीफ होगी और वो भी नहीं रुकेंगे। तो गाइज अभी ये जो डिवाइस है इसको आप देख सकते हो। फिलहाल देखो ये जो कार कट के डिवाइस, मैंने इसको लगाए हुए बिल्कुल 3-2 महीने तो हुए रहेंगे, और आज तक मैंने कोई भी इसमें ऐसा प्रॉब्लम मेरे कार में नहीं देखा है, और या फिर ऐसे कोई भी जो लोग बाहर खाना डालते हैं वो भी मैंने, या फिर ऐसे कोई बाहर का यूजलेस पार्ट मैंने मेरे बोनेट में आपने नहीं देखा होगा, या फिर बोनेट पूरा का पूरा क्लीन है। कई बार कैसे होता है कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे कार के अंदर कोई आ गया है कि नहीं, या फिर चूहे वगैरह,
तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आप आपका कार का जो बोनेट है वो ऊपर करो और देखो वहाँ पे जो धूल बैठी रहती है तो उसके ऊपर आप देख सकते हो कि चूहों के पैरों के निशान आपको मिलेंगे और ये बिल्कुल कोई भी देख के पता लगा सकता है कि हाँ बाबा मेरे गाड़ी के अंदर ये चूहे आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं आपने देखा है, और अगर इससे भी आप बचना चाहते हो कि अगर रिस्क लेने से पहले अगर कुछ प्रिकॉशन लेनी है तो बिल्कुल आप मेरे जैसे डिवाइस फिट कर सकते हो। तो ये जो डिवाइस है आप देख रहे हो कि ये कारकेट फोर्थ जनरेशन का मैंने जो परचेज़ किया था 2 महीने पहले लगभग, और ये अल्ट्रासाउंड रैट रिपेलेंट सिस्टम है जो बिल्कुल जिगजैग वे में आपके जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है उसको वो एक छोड़ता रहेगा और उससे आवाज़ भी आती रहेगी जो हमें जो ह्यूमन्स हैं उनको वो विजिबल या फिर उनको सुनाई नहीं देगा, लेकिन जो रैट्स है उनको बिल्कुल वो आवाज़ एकदम इस तरीके से डिस्टर्ब करेगी ना कि वो वहाँ पे अंदर रह नहीं पाएंगे। तो इस पैक के अंदर क्या मिलेगा, तो आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा कि कैसे आपको इसको फिट करना है या फिर इसका जो पूरा वर्किंग है, मतलब कैसे आपको स्क्रू दिए रहेंगे, केबल टाई दिया रहेगा, कारकेट का पूरा डिवाइस है, फिर इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। देखो यहाँ पे कॉन्फ़िग का एक बटन भी दिया है जो एक बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे फिलहाल मैंने रख दिया है, तो आप भी आपके हिसाब से यूसेज के हिसाब से रख सकते हो। तो प्लस माइनस इंडिकेटर कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी आप अगर एकदम इजी टू रीड है और इजी टू अंडरस्टैंड आपको ये पूरा एप्लीकेशन यूज़र मैनुअल है। अभी मेरा जो फिलहाल डिवाइस है वो मैंने डिफ़ॉल्ट पे रख दिया है। डिफ़ॉल्ट का मीनिंग क्या होता है कि देखो लगभग क्या होता है कि अगर मैंने मेरी गाड़ी एक जगह पे पार्क कर दी है, ठीक है, तो जैसे ही गाड़ी जैसे ही बंद होगी तो वो डिवाइस जो है वो ऑन हो जाएगा, इस तरीके से वो काम करेगा। और ये तो सिंपल है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी ऑन किए तो उसके अंदर चूहे रहेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे। तो जैसे ही गाड़ी ऑन स्टार्ट हो जाएगी, हम चला रहे हैं गाड़ी, तो उसके वो डिवाइस अपने आप बंद हो जाएगा, और जैसे ही गाड़ी हमने बंद कर दी, एक जगह पे खड़ी कर दी, और फिर वो डिवाइस अपने आप ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका पूरा वर्किंग है। और इसके अंदर जो मैं बता रहा था कि यूज़र मैनुअल है या फिर जो वारंटी कार्ड है, ठीक है, वेल 3 मंथ्स एक्सटेंशन वारंटी या फिर जो वारंटी कार्ड है आप, और आपको मैं बता रहा था कि ये जो केबल टाई आपको दिख रहा है तो ये आपको मिलेंगे, इसके अंदर 4 केबल टाई है, इसके साथ स्क्रू है, और देख सकते हो कि कैसे ये काम करता है। देखो लगभग जो है ना वो चूहों के लिए फिर जो बैट्स हैं उनके लिए अनबेरेबल फ्रिक्वेंसी, वो इसको बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ वहाँ भागने लगेंगे या फिर एक जगह पे वो ठहर नहीं पाएंगे इतनी ज़्यादा मात्रा में वो फ्रिक्वेंसी जब एक सुनेंगे तो। सो इस तरीके से डिवाइस बिल्कुल काम करेगा। इसका जो पूरा फंक्शनिंग है वो तो आप इसके अंदर पढ़ के देख सकते हो। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल 4950 में परचेज़ किया था। एग्जैक्ट ये अमाउंट नहीं है क्योंकि प्रॉपर जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन के ऊपर से, मैंने इसको परचेस किया था तो उसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती रहेगी। लगभग 5000 के आसपास आपको ये डिवाइस मिल जाएगा जो आपकी कार को एक रोडेंट्स जो होते हैं फिर जो चूहे होते हैं उनसे बिल्कुल आसानी से दूर रखेगा। सो गाइज आपने ये डिवाइस देखा और इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल ईजी है, आप घर पे इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, आपको कहीं पे मैकेनिक या फिर गैरेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसका जो रिज़ल्ट है वो खुद से नोटिस करने लगोगे। लेकिन अगर आपको आपकी कार को बचाना है रोडेंट्स से या फिर जो पैट से तो बिल्कुल ये डिवाइस एकदम परफेक्ट डिवाइस है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि कई बार कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि बाबा हमारी गाड़ी जो है वो हम कई बार वॉश के लिए लेके जाते हैं और वो क्या कार वॉश वाले क्या करते हैं कि बोनेट ऊपर करेंगे और अंदर पानी मारते हैं इंजन के ऊपर हल्का सा, तो उससे वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। नहीं, ये डिवाइस जो है वो एकदम वाटरप्रूफ डिवाइस है, तो इसको पानी से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो अब उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। और दूसरी बात, आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि आपको इस तरीके से फिट करना है ताकि उसकी जो लाइट है वो हर दिशा में जा सके और वो पूरे बोनेट के अंदर वो अल्ट्रासाउंड व्यूज प्रॉपर तरीके से जिगजैग फॉर्म मतलब इजीली हो जाए और कम से कम डिस्टरबेंस उस व्यूज को मिले जो वो डिवाइस कंटिन्यूस छोड़ रहा है उसको। तो आप देख रहे थे कि मैंने बिल्कुल एक
कोने में उसको फिट किया था और बिल्कुल आराम से अपनी वेव्स को दूर तक छोड़ सकता है। तो बिल्कुल आपको भी वैसे ही फिट करना है। और उनका कस्टमर केयर नंबर है, आप उनसे भी बात कर सकते हो अगर आपको इंस्टॉलेशन में कुछ क्वेरीज है या फिर इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। सो गाइस, ये वीडियो था एक कारकैट के बारे में जो मैंने खुद इंस्टॉल किया और मैं एक एज अ हैप्पी कस्टमर करके आपसे बात कर रहा हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।